माता के जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पर लाइन में खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, प्रेम से बोलो, जय माता दी, प्रेम से बोलो, जय माता दी, सारे बोलो, जय माता दी, मिलकर बोलो, जय माता दी, जय माता दी। मरने के बाद स्वर्ग नहीं देखा, लेकिन जिसने जीते जी वैकुंठ और शिवलोक के नजारे लेने हैं, ये माँ के भवनों के नजारे ले। ओ पैरी मैया बंद घुंघरू में नचता टपदा वा तेरा नाम, वैष्णो माता तेरा नाम जपा सुख पावा, तेरा नाम जपा सुख पावा। नवरात्र का पावन त्योहार और ऊपर से आज नौमी का दिन अपने आप में बहुत ही अद्भुत संयोग है। इस वक्त टाइम्स ऑन और भारत पर आप सीधी कवरेज माता वैष्णो देवी के दरबार से देख रहे हैं। इस वक्त मैं कटरा में हूं और माता का दरबार किस खूबसूरत तरीके से सजाया गया है वहां की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। और अपने दर्शकों को देखिए, बहुत ही भव्य तरीके से जो माता का दरबार है उसको सजाया गया है और जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पर लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं माता का दर्शन करने के लिए। आप देखिए लंबी लंबी लाइनें लगाई गई हैं, सिक्योरिटी रीजन की वजह से यहाँ पर लोगों को कहा गया है कि आप थोड़ी सावधानी रखिए। आपको ऊपर लेकर चलते हैं और माता की तस्वीरें दिखाते हैं, कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत भी करेंगे और इसके साथ ही जो माँ का दरबार है उसकी लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और माता के जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पर लाइन में खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। एक बार जोर से बोलिए, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, प्रेम से बोलो, जय माता दी, प्रेम से बोलो, जय माता दी, सारे बोलो, जय माता दी, मिलकर बोलो, जय माता दी, जय माता दी। तो साथ देखिए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, कहाँ से आए आप लोग? हरियाणा से आए, हरियाणा से आए। हाँ। तो अभी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं आप लोग? हाँ, दर्शन करने। कैसा लग रहा है नवरात्र के पावन अवसर पर आप लोग माता के दरबार? बहुत अच्छा लग रहा है, अभी हमारी एंट्री होने वाली है। हम लोग मतलब हम लोग रात से चले हैं और अब बहुत थक गए, बस अब एंट्री होने वाली है हमारी। आपको कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए सर। जय माता दी, मेरी माँ का द्वार वैसे ही स्वर्ग है, लेकिन इस टाइम तो शिवलोक बना हुआ है, वैकुंठ बना हुआ है। तो मैं यही मैसेज सभी को देना चाहता हूँ कि माँ भगवती की कृपा से जीते जी मरने के बाद स्वर्ग नहीं देखा, लेकिन जिसने जीते जी वैकुंठ और शिवलोक के नजारे लेने हैं, ये माँ के भवनों के नजारे ले। बोल सकते हैं आप गुनगुनाते भी हैं। मैं आदरणीय उस्ताद श्री नरेंद्र चंचल जी का शागिर्द हूँ, राज चंचल। नराते वाली है तेरी जय जयकार, जगराते वाली है तेरी जय जयकार। तो चलिए प्रेम से बोलिए जय माता दी। यहाँ पर जो भक्त हैं वो लगातार इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। आप देखिए ये कालका भवन है और यहाँ की तस्वीरें दिखाइए, कितने बेहतरीन तरीके से इसे सजाया गया है। और जब रात का वक्त होता है तो पूरा का पूरा ये जो भवन है वो रोशनी से नहा जाता है। जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं उनके जोश और उमंग को बढ़ाने के लिए मोहित चौहान भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जिन्होंने माता रानी के दर्शन भी किए, पूरी रात वो यहीं पर थे। और उनसे पूछते हैं कि कैसी आपकी अनुभूति है और उसके बाद कुछ दो लाइन आपसे सुनना चाहेंगे। जी सबसे पहले मेरा नमस्कार सभी देखने वालों को, और ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात रही कि माता ने मुझे बुलाया। जी जैसे यहाँ की वो होता है कि भी माता जब बुलाती हैं, जिसको बुलाती हैं उसी का आना होता है। लोग सालों सालों प्लानिंग करते हैं, आ नहीं पाते हैं। तो इस बार बुलावा आया और खाली दर्शन करने का नहीं आया, माता ने आदेश दिया कि मेरे सामने बैठो और मुझे गीत सुनाओ। तो माता का आशीर्वाद जो है वो हमारे लिए बहुत 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 ज़रूरी है, जीवन के लिए, हमारे उन्नति के लिए। माता के बिना कुछ नहीं है, उनकी डिवाइन जो पावर है। तो मैंने वहाँ उनके आंगन में बैठ के उनके सामने मैंने गीत गाए, भजन गाए, और मुझे जो अनुभूति हुई वो बहुत खूबसूरत थी। उसका मैं किसी से तुलना नहीं कर सकता, वो प्राइसलेस जिसको बोलते हैं। बिल्कुल मोहित जी, हमने भी आपका भजन सुना सुबह सुबह। हम चाहेंगे कि टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क और टाइम्स नाउ के जो दर्शक हैं, टाइम्स नाउ भारत के, उनके लिए कुछ लाइनें माता के दरबार में आप गुनगुना। ठीक है जी, ये एक मेरा भजन है जो मैंने कंपोज किया स्पेशल वैष्णो माता जी के लिए आने से कोई एक हफ्ता पहले। बिल्कुल। तेरा नाम जपा सुख पावा, तेरा नाम जपा सुख पावा, तेरा नाम जपा सुख पावा,
तेरा नाम जपा सुख पावा। ओ पैरी मैया बंद घुंगरू मैं नचदा टपदा वा, तेरा नाम वैष्णो माता तेरा नाम जपा सुख पावा, तेरा नाम जपा सुख पावा। चलिए मोहित चौहान जी यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने दो लाइनें यहाँ पर गुनगुनाई भी। जो श्रद्धालु हैं वो लगातार सुबह से उनके भजन और गीत को सुन रहे हैं, तो एक तरीके से बहुत ही सुखद माहौल है, अविस्मरणीय। आप जितनी कल्पना करें उससे भी ज़्यादा आनंद जो है माता के दरबार में है। और वैसे पे यहाँ पे जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं वो आते हैं परफॉर्म करने के लिए, और आज का दिन नवरात्रि का आखिरी दिन है, नौमी है, इसलिए भी आज का दिन बेहद खास है।